तो हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू हेल्थ में तमाम किसान तमाम व्यापारी भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप जो ये प्याज देख रहे हैं, या जो गाड़ी पर लोडिंग है, साजापुर मंडी का सबसे सुपर क्वालिटी का आप देख रहे हैं यहाँ पे प्याज मीडियम क्वालिटी, गोल्टा गोल्टी तमाम सभी प्याज है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो ये प्याज जो आज बिका है, जो सुपर क्वालिटी का जो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आज बिका है 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। 1100 1000 यहाँ पे प्याज में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला है। किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, देख रहे हैं आप यहाँ पे, बस ये छली बात चुका है। और आज के साजापुर मंडी का ये आज का रेट रहा। किसान भाइयों देख रहे हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे तमाम व्यापारी यहाँ पे मौजूद है, जो ये बहुत बड़े व्यापारी है जो यहाँ पे खरीद रहे हैं ये प्याज, बिल्कुल जो 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो ये बिका है आज के साजापुर मंडी में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये बड़े मंडियों के साथ यहाँ पे जो एक नंबर दो नंबर के हिसाब से आज नीलामी जो शुरू हुआ है, जो किसानों को बहुत रुलाया जा रहा है यहाँ पे। प्याज में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। नासिक का जो नया प्याज निकलने वाला है, जिसके वजह से प्याज में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं प्याज बिल्कुल बहुत मंदी चल रहा है प्याज में। आपको सामने यहाँ पे गोडाउन में बिल्कुल पूरा फुल गोडाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रक भरा उपरा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल ये अच्छे अच्छे क्वालिटी का मीडियम क्वालिटी पत्ते का है, जो नासिक का टक्कर दे रहा है ये साजापुर मंडी का प्याज, इंदौर मंडी का प्याज, सुजालपुर मंडी का प्याज बहुत अच्छे क्वालिटी का है, रतलाम मंडी का प्याज। और लहसुन का बात करें किसान भाई, तो लहसुन में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है आपको। प्रतिदिन भी लहसुन में भी आज भी देखने को मिला है, जो 4000 से लेकर 4500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, यहाँ पे तो ये भाव रहा आज का टुडे रिपोर्ट। तो देख रहे हैं आप, जो ये सुपर क्वालिटी का प्याज है, जो यहाँ पे सबसे सुपर, जो 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदी होने के कारण प्याज में बहुत ज़्यादा मंदी हुआ, जिसकी वजह से प्याज में लग रहा है कि नासिक में बारिश होने के कारण भी प्याज में बहुत ज़्यादा नुकसान नया फसल में हुआ है। किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, आप देख रहे हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे देख रहे हैं व्यापारी बहुत खरीद रहे हैं प्याज, अच्छे अच्छे क्वालिटी का प्याज, बिल्कुल मंदी चल रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे आपके सामने प्याज है यहाँ पे। किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, तो किसान भाइयों, प्याज में मैंने पहले भी बोला था कि प्याज में ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगा, मंदी ही जाएगा। तो आप लोग निकालते रहिए, आपको देखने को भी मिला, जो पहले वीडियो भी मैं डाला था पप्पू भाई प्रधान का, उस वीडियो में बिल्कुल सटीक जो भाव बोले थे वो बिल्कुल सटीक यहाँ पे आपको देखने को मिला है। और प्याज में मंदी देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। नवंबर दिसंबर में नासिक का प्याज भी निकल जाएगा, जिसके वजह से प्याज में और मंदी आने की बहुत ज़्यादा आएगा, बिल्कुल 100% है किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों। तो ये रहा आज का टुडे रिपोर्ट, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।